आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज की दोनों पक्षों की FIR। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। फर्जी मेडिकल बनाकर झूठे केस में फंसाने का लगाया पीड़ित ने आरोप। जनपद संभल के थाना नकासा क्षेत्र के ग्राम ज्ञानपुर सिसेनों का मामला है। यहाँ मोहम्मद शहीद पुत्र अली मोहम्मद अपने गांव ज्ञानपुर सिसोना में पंचायत चुनाव लड़े थे और उसी गांव में दूसरा पक्ष परवेज पुत्र मसूर पंचायत चुनाव लड़े थे। उसी लेकर कुछ और पुरानी रंजिश के चलते हुए जमकर चले ईंट पत्थर, जिसका वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। जिला विरोचक मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। ज्ञानपुर सिसोना से आप SP साहब के आए, कितने आए? सर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम पर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है 308 का। कौन लगा रहा है? ये हसीब लगा रहा है, अब्दुल वाहिद। तब क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब? कप्तान साहब ने कहा कि SO साहब से मिलो जाके, नहीं लगेगा तुमसे। कब से चल रहा है मामला आपका? ये मामला 13 तारीख का सर। मामला क्या हुआ था आपका? ये साहब घर में घुस के हमारे बच्चों को दो को मारा 2 बजे रात के। किस वजह से? वो कोर्टों की रंजिश से, प्रधानी की रंजिश से। चुनावी रंजिश से ले आ रहे हैं आप लोग? तो दूसरा पक्ष प्रधान बना हुआ है या आपका पक्ष का प्रधान? नहीं, प्रधान कोई नहीं बना, वो भी हार गया, हम भी हार गए। आपने चुनाव लड़ा था? जी भाई ने लड़ा था। क्या नाम है उनका? शरीफ। तो अब तुम्हारे परिवार में कितने लोग घायल हुए थे? 2 घायल हुए थे सर। कितने लोग घायल हुए थे आपके? 2 लोग बहुत घायल है, सीरियस है मेरे थे वो। क्या नाम है उनका? एक का नाम अनवर है और दूसरे का? एक का कामिल नाम है। कहाँ पर वर्ती है ये? मेरठ है, पहले मुरादाबाद को रेफर हुए थे, मुरादाबाद से मेरठ। तो अब पुलिस क्या कह रही है, थाना पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कुछ नहीं करा सर, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। अब हमारी 308 चढ़ गई है, वो भी हम पे लगवा रहे हैं फर्जी।